हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आपका हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। आज फिर मैं एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। ये हमारी चटपटी सी चाट। ये मैंने व्हाइट वाले चने लिए हैं जिसको मैंने बॉईल कर लिया और इसका पानी वगैरह निकाल दिया। ये कुछ वेजीज हैं, कोरिएंडर लीव्स, टमाटो, ये लेमन, ग्रीन चिल्ली, कैबेज, अनियन एंड करी लीव्स। ये कोरिएंडर की चटनी है जिसकी रेसिपी मैंने पहले ही शेयर कर दी और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। ये मेरे पास एक जीरा पाउडर है, ब्लैक पेपर का पाउडर है काली मिर्च का, और ये मीठी चटनी है इमली और जैगरी की। बाकी जो बेसिक मसाले हैं जब चाट बनाऊंगी उसके साथ ही डालते जाऊंगी और आपको बताते जाऊंगी। बहुत सारी चाट खाई हैं, ये वाली भी ट्राई करके देखना। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले मैं वेजिस को ऐड कर रही हूँ इसमें। सभी वेजिस को एक साथ ऐड कर दूंगी मैं। चलो अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ, ये है थोड़ा सा चाट मसाला। आप मिर्ची को ध्यान से ऐड करना क्योंकि चाट मसाले में भी मिर्च होती है। ग्रीन चिलीज जैसे रेड पाउडर वाला हमने ऐड करना है, रेड चिली वाला ध्यान से करना है ऐड। और ये है मेरे पास ज़ीरा पाउडर, इतना सा ही ऐड कर रही हूँ मैं। उसके बाद है ब्लैक पेपर, कम ही कर रही हूँ मैं ब्लैक पेपर भी, काली मिर्च। और ये है मेरे पास ग्रीन चटनी जो मैंने पहले ही बनाई थी, ये वाली ऐड कर दूँगी। उसके बाद है मेरे पास आमचूर पाउडर, वो ऐड करूँगी। आमचूर से हल्का सा खटास आ जाएगा, पर इसमें मैं लेमन भी यूज़ कर रही हूँ तो आप इसको ध्यान से ही ऐड करें। ये मैंने आमचूर पाउडर ऐड कर दिया। और इसके बाद सॉल्ट और चटनी वगैरह ऐड करते हैं हम। ये है इमली की चटनी, जैगरी और इमली की खट्टी मीठी चटनी। ये ऐड कर दूँगी 2 टेबल स्पून। खट्टी मीठी चाट बन के रेडी हो जाएगी। ये डालें और अच्छा फ्लेवर आएगा। आप चाहें तो खट्टी वाली जो इमली होती है उसको पानी में डाल के रख दें और उसका जो पानी है वो इसमें ऐड करें, 1 स्पून या 2 कर लें, उससे कलर और टेस्ट दोनों ही अच्छे आएंगे। ये अभी मैं इसमें वाइट सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हल्का सा धनिया पाउडर थोड़ा सा ही करूँगी यूज़ बस। और देगी मिर्च, ये तीखी तो होती नहीं है, बस हल्का सा कलर आ जाएगा। और थोड़ी सी लाल मिर्च रेड वाली। और ये है गरम मसाला थोड़ा सा ही, क्योंकि मैंने एक बाउल जो है चने लिए थे उसके अकॉर्डिंग मसाले वगैरह ऐड किए हैं। अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग अपने टेस्ट को ऐड करें। तीखा पसंद है, मीठा पसंद है, जैसे आपको स्पाइसी पसंद है उसके अकॉर्डिंग सब ऐड करें। वेजीज और भी आप ऐड कर सकते हैं, स्वीट कॉर्नज ऐड करें, कैरेट भी ऐड कर सकते हैं, और कैप्सिकम, ये सब आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग या जो आपके पास पड़ा हो वो ऐड कर सकते हैं। ये है मेरे पास लेमन जूस, ये वही मसाले वाला स्पून था तो उसी में ही मैंने लेमन जूस डाला। ये इतना सा ही डालूंगी। इसके बाद सभी को हम अच्छे से करेंगे मिक्स। ये देखो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कैचअप ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड नहीं की बट आप कर सकते हैं, कैचअप ऐड कर लीजिए। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कोरिएंडर और डालूंगी, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये देखिए मैंने कोरिएंडर और ऐड कर दिया है। ये हमारी झटपट और चटपटी सी ये वीडियो रेसिपी चना चाट मसाला रेडी हो गया है। ऐसी ही और चटपटी सी वीडियोस को देखने के लिए, रेसिपीज़ के लिए और अच्छे व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय फ्रेंड्स, हम मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में।